गुड मॉर्निंग, माय नेम इज संजय कुमार सिंह। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट पेमेंट डिजाइन। हाउ कैन डू पेमेंट डिजाइन विद सीटीडीसी। हम पेमेंट डिजाइन सीटीडीसी से कैसे करते हैं, हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम सपोज दैट वी हैव फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या किए साइट पे, वो है हमने व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल पर डे हमने काउंट किया। कैसे करें, हम डिफरेंट लोकेशन पे गए और हम सबसे पहले चार पांच कुछ लोकेशन पे गए, उसका पर डे एक दिन का कॉमर्शियल व्हीकल का एवरेज हमें सपोज दैट मान लिया जाए 2500। यह हमारा एक्सेल शीट का हमारा ये टेम्पलेट है, एक्सेल शीट में बना लिया हूं मैं। हमने 2500 सपोज दैट हमारा ट्रॉफिक कॉमर्शियल व्हीकल एक दिन का पहला दिन, एक दिन का हमारा कॉमर्शियल व्हीकल है। ये हमारा ट्रॉफिक ग्रोथ है 6% है ट्रॉफिक ग्रोथ। इट मे बी डिपेंड अपॉन सिचुएशन, बढ़ भी सकता है। इन जनरली इंडिया में 5-6% हम लेते हैं ट्रॉफिक ग्रोथ रेट। अगर बांग्लादेश है तो 10% भी लिया जा सकता है ट्रॉफिक ग्रोथ, डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ये डिजाइन लाइफ हम 20 ईयर के लिए हम ले रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं तो 20 ईयर मैंने ले लिया। ये व्हीकल डैमेज फैक्टर 5.2 लिया हूं मैं। ये व्हीकल डैमेज फैक्टर ये डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉफिक, कितनी ट्रॉफिक आ रही है, कितने लोड की ट्रॉफिक आ रही है, उस पर डिपेंड करता है और व्हीकल डैमेज फैक्टर उससे कैलकुलेट होकर निकलती है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगा कि किस तरह से निकलती है व्हीकल डैमेज फैक्टर। फिलहाल मैं 5.2 लिया हूं, इसलिए लिया हूं 5.2। प्लीज यू सी हियर, आईआरसी हैव गिवन ए चार्ट। प्लीज यू सी हियर, आईआरसी हैव गिवन ए चार्ट। चार्ट इफ योर कॉमर्शियल व्हीकल मोर देन 1500 पर डे है तो देन वी हैव टू पुट हियर हियर 5 व्हीकल डैमेज, व्हीकल डैमेज फैक्टर 5, मिनिमम 5। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे, a small road, it is a road use only a small road. If you construct expressway, we have to proper calculate vehicle damage factor with traffic design. Understand? Now we have to, for design purpose, we have to put, for calculation purpose, we have to put here 5.2. Understand? This is a design construction period 3. Understand? A 3. After construction 3 year, after project will be completed, then what is the traffic will come? See this equation here. IRC have given equation A equal to P into 1 plus R to the power X. Put all the value in this equation and find the value of A. A is nothing but this value, 2978. Understand? After, that means after 3 years, our traffic intensity will come 2978. Understand? After the value, please you see here, lateral distribution factor. Lateral distribution factor is given, IRC have given a chart. Please see this chart. If a four lane with divider, each side 2 lane, then we have to put this lateral distribution factor 0.75. Please see here 0.75. So I'll put here 0.75. Understand? I have talked only this red light area only. Understand? Now, after find out this, we have to calculate the MSA. MSA, please you see here, the equation is given here. MSA, N equal to 365 into 8 into 1 minus 1 plus R to the power N minus 1 into vehicle damage factor into D upon R. All the parameters put in this equation, the find the value of M. N is nothing but MSA. MSA find out this. Understand? Put all the value. This is not a magic. It is you put in this value and find out the value. Please see here. Suppose that value increase this value. Increase this value 3000. Please you see here 3000. Understand? Then what to do? 3000 agar put kar diya, so please take the MSA also. Please understand. Here design life is also increased only. So dekhiye MSA will also increase. No problem. Please you see here. It's 105. Understand? अब हम चेक करते हैं कि कैसे होता है। अब हम वही पहले वाला ही लेता हूँ, 3500 पे हम देख चलते हैं जल्दी। 2500 हमारा इनिशियल ट्रॉफिक था। नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर के बाद हमारे पास ये ट्रॉफिक आ गई। अब हम MSA, उस पर MSA आ गया 78। अब हम इस MSA पर से हम डिजाइन करते हैं कि हमारा किस तरह से डिजाइन करें। अब हम गए साइड पे, हमें साइड पर इन्वेस्टमेंट तक का CVR जो भी सॉइल मिला उसी से हमको काम करना है। मान लिया जाए कि इन्वेस्टमेंट तक का CVR हमें सॉइल का CVR मिला 7, जिससे कि इन्वेस्टमेंट टॉप तक हमने काम कर लिया। अंडरस्टैंड?
आफ्टर दैट हम सबग्रेड बनाएंगे, सबग्रेड का सीरियल थोड़ा अच्छा कहीं से लेके आया जो कि कॉस्ट थोड़ी दूर से लाए, कहीं कॉस्टली था, तो हम 11 सीरियल का मिट्टी मिला, अंडरस्टैंड, सॉइल मिला 11 सीरियल का, हो सकता है 12 सीरियल का मिल सकता है, 15 सीरियल का मिल सकता है, डिपेंड अपॉन यू। ये हम एक आपको दिखाने के लिए हमने एक लिया सीरियल यहाँ 7 और 11 सीरियल सबग्रेड का सीरियल। अब इस जब 7 सीवीआर है जिसके लिए एमआर कितना निकल आ जाएगा, तो ये एमआर के लिए हमारे पास ये एमआर 61.15 ये कैसे निकला है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, एमआर इक्वल टू 17.6 इनटू सीवीआर टू द पावर 0.64, यदि सीवीआर हमारे पास, यदि सीवीआर हमारा मोर देन 5 है तो ये वैल्यू इक्वेशन यूज करेंगे, अगर लेस देन 5 है तो ऊपर वाला ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू से हम निकाल दिए, इसी इक्वेशन से निकाल दिए एमआर का वैल्यू 61.15 और ऊपर वाला इस 11 एमआर है, सीवीआर है, तो ये एमआर हमारे पास इस वैल्यू निकल गया। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा डिफ्लेक्शन डी, ये कैसे निकलेगा डिफ्लेक्शन डी, ये निकल रहा है डिफ्लेक्शन डी हमारे पास, ये डिफ्लेक्शन डी हमारे पास निकाल रहा है, कैसे निकल रहा है, निकालेंगे ये डिफ्लेक्शन डी, ये डिफ्लेक्शन डी निकालेंगे हम आईआईटी पीएफ के सॉफ्टवेयर से। अब देखिए कैसे निकालते हैं, हाउ कैन डू द आईआईटी पीएफ सॉफ्टवेयर, प्लीज यू सी हियर। अब हम इसको थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ और IITPF के सॉफ्टवेयर को खोलने की कोशिश करता हूँ, IITPF का सॉफ्टवेयर हम खोल रहे हैं, कैसे खोलेंगे, ये IITPF का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, प्लीज यू सी IIT दिस IITPF सॉफ्टवेयर, प्लीज सी हियर, अंडरस्टैंड, इसको मिनिमाइज करो। अब ये हमारे पास, इसको हम, अब हमारे पास कितना है, 2 सबग्रेड का हमको देखना है, 2 सबग्रेड के बीच का इफेक्टिव निकालना है, तो 2 ले लिया। अब हमारे पास ये टेम्पलेट को सामने ले लेते हैं, टेम्पलेट, और ये हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट 2, सबसे पहले ऊपर का सीवीआर कितना हमारे पास, सबग्रेड एमआर कितना है, 51.66, यहां हम लिख दिए 81.66, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेकंड एमआर कितना है नीचे का, एमआर सेकंड लेयर का एमआर 61.15, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट Poisson's ratio 0.35, नेक्स्ट हियर 0.35, अंडरस्टैंड। और ये थिकनेस 500 mm थिकनेस ऑफ सबग्रेड, इफ सपोज सबग्रेड वी इंक्रीज द थिकनेस नो प्रॉब्लम, अब सपोज ये कॉस्टली मटेरियल देन यू हैव टू यूज लेसर नो प्रॉब्लम, 300 भी डाल सकते हैं, तो उसके अनुसार से हमारा इफेक्टिव सीवीआर निकल के आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास टायर प्रेशर, हियर टायर प्रेशर, पुट हियर टायर प्रेशर 40 न्यूटन एंड हियर सॉरी व्हील लोड एंड टायर प्रेशर 0.56, अंडरस्टैंड हियर। नेक्स्ट हियर पुट इन दिस वैल्यू 0, हियर 0, सबमिट, सक्सेस, रन, डन। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू डिस्प्लेसमेंट जेड, दिस वैल्यू प्लीज पुट दिस वैल्यू, कलेक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर कंट्रोल सी एंड पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड, प्लीज सी हियर 1.92. Now, this value get from IITPF software 1.92. This value put in this equation here, MR equal to 2 into 1 minus mu square PA upon delta. Delta is nothing but 1.92. All the value mu is nothing but 0.35 Poisson's ratio. Put all the value in this equation and find the value of MR. Understand? This MR. Now this MR, according to this MR, MR value, again put this MR here 77 in this equation and find the value of CVR. That CVR is nothing but 10. Understand? Now we get the effective CVR 10. Ab now go to our design. Hame pata chal gaya, MSA pata chal gaya, CVR pata chal gaya. To humko ab we have to design CVR. Kaise hum design kaise karenge? Next. अब हम ये MSA आ गया, ऊपर से ऑटोमेटिक आ गया, ये CVR ऑटोमेटिक आ गया। अब हमारे पास ये 3000, ये 3000 है इलास्टिक मॉडल्स ऑफ द बिटुमिनस कोर्स, ये कैसे निकालें, कहाँ से लिए हैं ये प्लीज सी दिस, सब
इन्होंने दे रखा है, आईआरसी कोड में ये दे रखा है, चार्ट ये हमारे पास दे रखा है, इफ जहां हम काम करने जा रहे हैं जो टेम्परेचर 35 डिग्री डीजी 40 अगर यूज कर रहे हैं तो 3000 हम लेंगे इलेक्ट्रिक मॉडल्स, अंडरस्टैंड, ये हम इलेक्ट्रिक मॉडल्स हमने यहाँ पे ले लिया 3000, अंडरस्टैंड, प्लीज यू सी हियर 3000 अंडर। और ये वी एंड वीवी ये डिपेंड, ये हमारा कंट्रोल करता है हमारा लेबोरेटरी, लेबोरेटरी पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा वी एंड वीवी 3 और 11.5, अंडरस्टैंड। अब हमने क्या किया, एक टेम्पलेट हमने तैयार कर लिया और हम देखते हैं कि ये हमारा स्ट्रेंथ चेक कर रहा करना है कि हम हैव टू सही है या नहीं है, अंडरस्टैंड। क्या किया हमने, तो सबसे पहले सबरी ले लिया 500, सीटी एसबी ले लिया हमने 250 अपने मन से ले लिया, ये हमने 200 ले लिया, सीटीबी लेयर ले लिया 200 और क्रैक रिलीफ लेयर ले लिया 100 और डीबीएम ले लिया हमने 80 mm, अंडरस्टैंड, और बीसी को ले लिया हमने, बीसी ले लिया हमने 50 mm, अंडरस्टैंड। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा ये टेम्पलेट, ये हमारा जो थिकनेस है ये सेफ है या नहीं है, इसको हम चेक करना है। अब देखिए आईआरटी पीएम ने दे रखा है, ये हमारे पास आईआरटी सॉफ्ट आईआरसी दे रखा है, ये ग्राफ ये दे रखा है चार्ट, अगर आप सीटीबीसी लेयर चेन लेयर यूज करते हैं आपको 3 पॉइंट पे आपको स्ट्रेंथ को चेक करना चाहिए, कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए, सब वे टॉप पे फर्स्ट चेक करेंगे और सीटीएसबी के टॉप में चेक करेंगे और थर्ड वन चेक करेंगे हम बिटुमिनस लेयर के बॉटम में चेक करेंगे, जहाँ भी होगा बिटुमिनस उसके बॉटम में, ये 3 पॉइंट पे हम चेक करेंगे। इसी तरह से मैंने तीन कैटेगरी को, हमने तीन जगह स्ट्रेंथ को यहाँ पे चेक करने के लिए कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमआर हम निकालें, इस पॉइंट पर सबवेट का एमआर जो है, ये एमआर कैसे निकालें, किसी क्वेश्चन से दिए आपको दिखा चुका हूँ, ये क्वेश्चन से निकाल दिया एमआर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये स्ट्रेन, इस पॉइंट पर स्ट्रेन निकाले, कौन से इक्वेशन से निकाले, तो यहाँ पे ये स्ट्रेन दे रखा है, ये 3.2 इक्वेशन जो दे रखा है, इस इक्वेशन से हमने स्ट्रेन निकाल दी इस पॉइंट पर, ये एनआर इक्वल टू 1.41 दिस वैल्यू, यानी टी टॉप ही का वैल्यू हम निकल गया, ये अंडरस्टैंड। अब यहां पर ये एमआर कैसे निकाले हैं, इस एमआर निकाले हैं इस इक्वेशन से, ये एमआर का वैल्यू दे रखा है, इस इक्वेशन से हमको यहां पे निकल गया, अंडरस्टैंड। और फिर अगेन ये वाला वैल्यू कहां से निकाले हैं, तो दिस इसी इक्वेशन से निकल के आ गया, देखिए दोनों सेम है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इस यहां का एमआर, यहां का एमआर कैसे निकाले हैं, तो दिस इक्वेशन से, दिस हाउ कैन फाउंड आउट दिस इक्वेशन, अंडरस्टैंड। यहां पर एच का वैल्यू बढ़ गया तो ऑटोमेटिक यहां पे वैल्यू बढ़ गया हमारा एमआर का वैल्यू। नेक्स्ट यहां पर स्ट्रेन, ये कहां से निकला है, ये प्लीज यू सी हियर, हियर here this please you see which equation, please you see this equation here, इस equation से निकल गया है, understand। यहां से NF इस equation से हमने निकाल दिया हूं कौन सा ये value है, please you see 3.4 equation है IRC 37 का, IRC 34 दे रखा है, इस equation से हमने निकाल दिया यहां का value, understand। ये सारा strain, ये green light area हमारा बन गया, ये निकल गया हमारा। अब हमको ये येलो वाला हमको चेक करना है आईआईटी पीएम सॉफ्टवेयर से, हमको देखना है अगर ये येलो येलो वाला इससे कम डाउन कम होगा लेस होगा देन सेफ अदरवाइज अनसेफ। अब हम चेक करते हैं आईआईटी पीएम का सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ये आईआईटी पीएम का सॉफ्टवेयर है, गो टू देयर, अंडरस्टैंड कैसे जाते हैं। अब हम इसको टेम्पलेट को सामने हम रख लेते हैं, 1 मिनट 1 मिनट इसको हम टेम्पलेट को सामने रख लेते हैं जिससे हम काम करने में आसानी हो, अंडरस्टैंड। अब हम आईटीपीएफ के सॉफ्टवेयर में, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर, अब हम यहाँ पे रिसेट रिसेट और यहाँ पे लेयर में गए, लेयर यहाँ पे कितने लेयर गए, 4 लेयर में जाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 4 फर्स्ट पहला 3000 पॉइजन्स रेशियो 0.35, नेक्स्ट हियर 130, सेकेंड लेयर 2653 0.54 0.35, नेक्स्ट थिकनेस 300 और थर्ड लेयर हमारा 184.83, नेक्स्ट 0.35 और थिकनेस 250, नेक्स्ट हियर 77.03 और पॉइजन्स रेशियो 0.04 सबग्रेड के लिए, नेक्स्ट
load here. Here load 20,000 Newton and tire pressure 0.56. Understand? Next here, go to the layer 6. Here 6, put here 6, first 130, 130, again 130, 130, here 0, here 155, here next 430, 430, here also 430, here 0, here 155, next 680, 680, again here 680, here 0, और हियर 155. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद ये टू लेयर टू वे सबमिट सक्सेसफुल रन डन डन. प्लीज सी दिस वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, प्लीज सी हियर, हियर व्हिच इज द मैक्सिमम, प्लीज सी हियर 8283, 86, this is the maximum. Understand? Control C and put this value. Please put this value where? Here. Put here this value. Best. Understand? This is best here. That is not safe. Understand? This design is not safe, but we have to, how can do it? Then revise the thickness, we increase the thickness of the bituminous layer, then we have to check here. Understand? So then we have to revise. How can do it? Revise, then increase the thickness here, 90 mm. Understand? This is 90 mm, our thickness BC also increase, 10 mm for 60 mm. Then what to do? Please you see here. Again, we have to give the same process, go same process and check it is safe or not. Understand? Then what to do? Please see here. Go IIT Pave software. Software is this, no problem. See, all data is same. All data is same. Instead of 130, instead of thickness, we increase the thickness. 150 instead of 130, it increase 150. Understand? 300, 250, no problem. Next up, come here in this point. Instead of 150 here also 150, 150, here 450, 450, here also 450, 450, or here 700, this value 700, this value also 700. Understand? And submit success run this. Understand? Next, please see this value, which is the maximum value. Please see here, which is the maximum. Please see here, sigma t, which is the maximum value here. 150 पर, इस 150 पे सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है 1.3 वाला सबसे मैक्सिमम है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. अंडरस्टैंड? प्लीज पुट हियर, कलेक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर. कंट्रोल सी and put here, paste, that is safe. Our design is here safe. Please check in this strand also here. Please go again this point, this chart and see here, which is the maximum value, which is the maximum, 450 pe, 450 pe jo maximum hai, yahan se humko le uthana hai. Which is the maximum value? Ye 2-1, this is the maximum value. Understand? Up to here. Control C.
put here. Understand? Next, again here also we have to take this value, again put here, same value, put here, from here to here, control C, and put here in this point. Understand? Now we have to see our design is safe. There is no problem. This parameter, our design is safe. Then what to do? Our design, अब हमारा safe है, हमें खुश नहीं हो जाना है इसके बाद, और मुझे एक चेक करना है. क्या चेक करना है? तो फटिक हमको चेक करना है. क्या होता है कि ट्रॉफिक जाएगी, ये हमारा क्रैक लेयर, ये हम बिटू इसमें सीमेंट है, ये हमारा क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होकर के हमारा डिजाइन लाइफ इसको तोड़ सकता है, तोड़ के हटा सकता, टूट जाएगा बहुत जल्दी. इसको हमको चेक करना है, ये हमारे पास वी हैव टू, ये फैटिक इक्वेशन दे रखा है. डैमेज एनालिसिस हमको चेक करना है. डैमेज एनालिसिस कैसे चेक करेंगे? डैमेज एनालिसिस, प्लीज यू सी हियर, ये डैमेज एनालिसिस चेक करना है. डैमेज एनालिसिस फॉर फटिक हमको चेक करना है. ये इसमें है कि NFI समेशन ऑफ NI अपॉन NFI इज लेस देन, अगर 1 होती है देन हमारा डिजाइन सेफ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज हम रिवाइज करेंगे डिजाइन को. अंडरस्टैंड? क्या किया मैंने? ये हमारा सबसे पहले ट्रॉफिक कितनी थी हमारे पास है? 2500. अंडरस्टैंड? आफ्टर 3 ईयर ये ट्रॉफिक कितना हो गया? 2978 आफ्टर 3 ईयर के बाद. अंडरस्टैंड? अब 2938 का हमने बैकअप बनाया, यहाँ पे बैकअप लिया. ये हमारा बैकअप है. अंडरस्टैंड? ये क्या बैकअप है हमारा? ये इनिशियल, ये बैकअप है हमारा. इस बैकअप को मैंने क्या किया? दो भाग में बांट दिया. इस दो भाग बांट दिया हमको. एक अप में आया 50%, डाउन में गया 50%. अंडरस्टैंड? अब वाला 50% में हमने ये कैलकुलेट किया कि सिंगल एक्सल हमारे पास कितनी है जा रही है, ट्रेंडम कितनी जा रही है, और ट्राइडम कितनी जा रही है. सिंगल एक्सल मान लिया जाए कि 58% जा रहा है, इतनी नंबर ऑफ गाड़ी, और ट्रेंडम जा रहा है 39, इतनी नंबर ऑफ गाड़ियां, और 3% जा रहा है आपको ट्राइडम एक्सल, जो कि हमको 45 नंबर ऑफ गाड़ियां. अंडरस्टैंड? इसकी सारा का इसका बैकअप कितने का बैकअप हो गया? ये 1489 का बैकअप हो गया. अंडरस्टैंड? अब हमने क्या किया सर कि इसको फिर हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया. एक सिंगल एक्सल को, सिंगल एक्सल में इतनी नंबर, 60 से 100 टन वाली गाड़ियां इतनी गई, 100 से 40 टन वाली इतनी गई, 40 से 100 ये टन वाली इतनी गई. अंडरस्टैंड? ये गाड़ियां गई. इसी टाइप से हम इसको भी डिवाइड कर दिया, ट्राइडम को भी डिवाइड कर लिया, ट्रेंडम को भी डिवाइड कर लिया, और ट्राइडम को भी डिवाइड कर लिया, इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब हमने क्या किया? नीचे आइए. अब नीचे हमने क्या किया? नेक्स्ट, ये तो हमारा एक दिन का व्हीकल है, लेकिन एक दिन से व्हीकल से काम नहीं चलेगा. हमको बोल लाइफ में कितने बार नंबर ऑफ रिपीटेशन होगी व्हीकल हो, तो दिस मच 345 इंटू 365 इंटू डिजाइन लाइफ, एक दिन का है तो पूरे साल, पूरे होल लाइफ में कितना बार रिपीटेशन होगा ये व्हीकल का, 160 टन वाली लोड का कितने बार आएगा, तो हमारे पास इतने टाइम्स चलाएगा, इतने टाइम्स हमारे ऊपर जाएगा. मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखिए 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, ये हमारे पास आ गया. अंडरस्टैंड? अब हम इसी टाइप से हम पूरा सबको निकाल दिए, इसी टाइप से हमको ट्रेंडम को भी निकाल दिए और ट्राइडम को भी निकाल दिए, इतने नंबर और इतने टाइम्स ऑफ व्हीकल पास कर रहा हमारे इसके ऊपर, हमारे रोड के ऊपर. अंडरस्टैंड? अब हम निकालते हैं कि इस लोड के लिए हमारे पास कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. ये लोड इतना दे रहे हैं, 160 टन लोड है, तो उसको चार, तो उस पर कितने, एक टायर पे ऊपर कितनी प्रेशर आ रहा है, एक टायर पर 40 टन लोड आ रहा है. ये 160 अगर एवरेज है तो एक टायर पर चार, सिंगल लोड के लिए, सिंगल एक्सल के लिए है, सिंगल एक्सल में दोनों तरफ मतलब चार लोड रहेगा, चार, तो हमको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, यानी 40 टन लोड के लिए हमें कितना आएगा, हमें ये निकालना, स्पेस ये निकालना. ये कहाँ से निकाले हम? ITPF सॉफ्टवेयर से. कैसे निकलता है हम दिखाते हैं आपको, ये ITPF सॉफ्टवेयर से हम निकाले. अंडरस्टैंड? तो अब हम ITPF सॉफ्टवेयर में जाते हैं. अब जाने से पहले हम थोड़ा सा एक और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं. ये हमारे पास ये हमारे पास टेम्पलेट है, जो कि ऊपर से जो थिकनेस हमने लिए है वही थिकनेस आ गया. जो DBM DC मिला के 150 है, क्रैक लेयर 100 है, बीसी है, जो ऊपर से आ गया हमारे पास. ये CVR ऑटोमेटिक 10 CVR है, तो आ गया हमारे पास CVR, सबग्रेड का CVR 10 है, तो उसके लिए MR हो गया 77.3,
और हमने डिस्कस कर चुका हूं ये 3000 हमारा इलास्टिक मॉडुलस है बिटुमिनस लेयर के लिए, और ये जो रेड लाइट एरिया है ये रेड वाला, ये हम तो ये क्रैक, तो आईआरसी कोड कहता है क्या कि अगर हम क्रैक रिलीफ लेयर डाल ले रहे हैं तो हमको एमआर लेना है 150 यहां पर क्रैक रिलीफ के लिए, सीटीबीसी के लिए 5000 एंड सीटीएसबी के लिए 600 लेना है। अंडरस्टैंड, ये हमारा आईआरसी, ये आईआरसी कोड कह रहा है कि आपको इतना लेना है। अंडरस्टैंड, ये इतना लेना है आपको। अंडरस्टैंड, इस रिस्पेक्ट में आपका ये पॉइजन रेशियो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये लेना है आपको, हम नहीं कर रहे हैं, आईआरसी कोड कर रही है जो कि हमने यहाँ पर उठा कर रखा है। अंडरस्टैंड, अब हम जा रहे हैं कहाँ, आईटीपीएफ के सॉफ्टवेयर में, आईटीपीएफ के सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं और हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ किस तरह से निकालेंगे। अंडरस्टैंड, अब हम आईटीपीएफ के सॉफ्टवेयर में गए, और हम सबसे पहले हम रीसेट यहाँ कर देते हैं, और अब हम सबसे पहले गए यहाँ पे लेयर में गए, फिफ्थ लेयर, यहाँ पे फिफ्थ लेयर 5। अंडरस्टैंड, पहला सबसे फर्स्ट 3000 पॉइजन रेशियो 0.35 एंड लेयर थिकनेस 150। नेक्स्ट लेयर 450। नेक्स्ट हियर 0.35, हियर 100 क्रैक रिलीफ लेयर, नेक्स्ट 5000, हियर 0.25, नेक्स्ट हियर थिकनेस 200, सॉरी 200 थिकनेस, हियर थिकनेस 200, नेक्स्ट दिस पॉइंट 600 और नेक्स्ट हियर पॉइजन रेशियो 0.25, नेक्स्ट थिकनेस 250, नेक्स्ट सबवेट का एम आर 77.03 और पॉइजन रेशियो 0.35, नेक्स्ट लोड हियर 40,000, नेक्स्ट टायर प्रेशर 0.08, हियर 2, हियर 2 एंड 450, हियर ऑल्सो 450 और हियर 0, हियर 155। अंडरस्टैंड, सबमिट, ओके, रन, डन। प्लीज सी दिस वैल्यू सिग्मा टी, व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा टी, प्लीज सी हियर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 0. दिस वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टैंड, दिस इज द मैक्सिमम। कंट्रोल सी, पुट दिस वैल्यू वेयर, पुट दिस वैल्यू हियर। अंडरस्टैंड, हियर सी, हियर पुट दिस वैल्यू। अंडरस्टैंड, 0.39, लाइक दैट अगेन सेम करेक्टेरिया, वी हैव टू पुट हियर 30 टन लोड, 30 टन, हाउ कैन, प्लीज सेम करेक्टेरिया, प्लीज यू सी हियर, हाउ कैन डू, प्लीज गो अगेन गो टू द आईटी स्क्वेयर सॉफ्टवेयर, गो हियर ओनली 340 था यहाँ पे, अब हमने क्या किया 30 कर लिया, 30। अंडरस्टैंड, बस हम रन कर लिए इसको, रन, सक्सेस, डन। प्लीज सी हियर, हियर लोड कितना मिला हमको, ये लोड हमें मिल गया, ये सिग्मा टी का वैल्यू, सिग्मा टी, दिस इज सिग्मा टी, व्हिच इज द मैक्सिमम, ये 0.29, प्लीज यू सी हियर 0.29। अंडरस्टैंड, कंट्रोल सी, टेक दिस वैल्यू, कहाँ लेना हमको है, इसके ऊपर पुट कर दिया हमको, ये पॉइंट के ऊपर, या अंडरस्टैंड, बेस्ट 30। अंडरस्टैंड, लाइक दैट वी हैव टू अगेन गो 20 लेना है, फिर हम यहाँ के लिए हमको 50 लेना है यहाँ पे, या 60 लेना है टन, और हम सेम वैल्यू जो आएगा हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अंडरस्टैंड, ये हम पुट कर देंगे, यहाँ तक हम पुट कर दिए सारा वैल्यू, मतलब स्ट्रेस यहाँ पे निकल के आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेस निकल के आ गया, तो हम हमारे पास ये देखिए इस पे क्या किया है, एम आर से डिवाइड कर दिए, एम आर यहाँ पे दे रखा है, आई आर सी कोड दे रखा है कि स्ट्रेस नीचे दिए, एम आर का वैल्यू, एम आर ये जो वैल्यू है एम आर रप्चर, एम आर रप्चर का वैल्यू हमारे पास 1.4 है, 1.4 दे रखा है, तो 1.4 से ये डिवाइड कर दिया है, हर पॉइंट को मैंने डिवाइड कर दिया 1.4 से, ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गया इतना डिवाइड बाय इतना, इतना डिवाइड बाय 1.4 ये वैल्यू आ गया, अंडरस्टैंड? यस। आफ्टर दैट हम NFI निकालते हैं, NFI कैसे निकालते हैं, अब देखिए साहब यहाँ पे इक्वेशन इक्वेशन दे रखा हमारे पास है, ये दे रखा है इक्वेशन, क्या दे रखा है, ये log NF इक्वल टू, log NF इक्वल टू 0.972 दिस वैल्यू ये दे रखा है, इस इक्वेशन में पूरा n सिग्मा t अपॉन m rupture का वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास है, ठीक है, ये वैल्यू है, सॉरी सिग्मा 1 अपॉन m रप्चर का वैल्यू ये लाइन में है, तो हमने ये इसको निकालने के लिए ये फार्मूला डाल दिया, हमारे पास ये फार्मूला डाल दिए, हमारे पास NFI निकल गया यहां से, इस इक्वेशन से हमारे पास NFI निकल गया। अब NFI जब निकल गया, हमारे पास NFI जब निकल गया तो हम क्या किए, इतना डिवाइड बाय इतना, दिस मच वैल्यू NF अपॉन NI अपॉन NFI, इस वैल्यू निकल के आ गया इतना, इसको सारे को सम कर दिए, इसको भी हम सबको सम कर दिए और इधर को सबको भी सम करके रख दिए और सबको सम करके यहाँ पे रख लिए, दैट इज अब हम देख रहा हूँ कि ये वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, ये वैल्यू 1 से अबव हो रहा है, कि हमारा डिजाइन सेव नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो ये डिजाइन चलाना है तो हमें क्या करना है, तो हमको या तो रिवाइज करना है, अदरवाइज हम ट्रॉफिक को भी कम करना पड़ेगा, ट्रॉफिक को या तो कम करना, कैसे कम करेंगे, हम तो यहाँ पे ये क्या किए हैं 3% ले लिया मैंने ट्रेंडम रोलर जिसमें हैवी ट्रॉफिक है, हमको थोड़ा सा 1% कम कर देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये 59% है ये, हम इसको 58 है तो 59 कर लेते हैं इसको, 2% यहाँ पे हो गया, मतलब पहले 45 था व्हीकल था, 2% कर दिया 30 आ गया व्हीकल, अब हम देखते हैं यहाँ पे ट्रॉफिक को देख लीजिए, चेक कीजिए, ये देखिए आपका सेफ हो गया, दैट मीन्स हम इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और हम अपने हमारा डिजाइन हमारा सेफ है या नहीं हम देख सकते हैं कितने लाइफ की टाइम के लिए, अंडरस्टैंड? अब सपोज दैट हम थोड़ा सा ट्रॉफिक को बढ़ाते हैं, देखिए देखिए साहब हम थोड़ा ट्रॉफिक को बढ़ाते हैं, हम ये इस ट्रॉफिक को हमने 2500 है, इसको हम 3100 ले लिया मैंने, देखते हैं क्या होता है 3100, देखिए यहाँ भी ट्रॉफिक बढ़ गया, ये देखिए बढ़ गया ट्रॉफिक 3632 हो गया इनिशियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रोड ट्रॉफिक कंस्ट्रक्शन दिस ट्रॉफिक, अब तो देखिए MSA बढ़ गया 97, पहले 78 MSA पे था हमारा 97, यहाँ पे देखिए अनसेफ दिखा दिया है, अननोट सेफ हो गया, और नीचे भी देखिए नीचे भी अनसेफ हो गया होगा, देखिए देखा जाए प्लीज यू सेव यह अनसेफ, अंडरस्टैंड? अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।